बिहार सरकार आपदा पीड़ितों के लिए कार्य कर रही है और सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। ये बातें मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ माइनर इरिगेशन के सचिव भी आए हुए हैं। हर एक समस्या को देखा गया है। रोज भागलपुर सहित पूरे प्रदेश के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की जानकारी लेकर तत्काल इसको दुरुस्त करने को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने सालाना अंदाज में कहा, जी सब कुछ दिया है, देख लिया है नौगछिया। इससे पूर्व भी बाढ़ का जायजा लेने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को 6000 रुपये प्रति परिवार के अलावे शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों को ठहरने, भोजन और इलाज की व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही शिविर में किसी भी गर्भवती महिला को पुत्र होने पर 10000 रुपये और पुत्री होने पर 15000 रुपये सहायता राशि भी दिए जाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ को लेकर अस्थायी समाधान के उपाय ढूंढने की भी बात कही। मुख्यमंत्री सर, आईडी पहुंच दीजिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी सेक्रेटरी साथ, और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में ही गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे बराबर के, यहाँ पर कुछ बनाया एक एक बात कहा गया और अभी प्रभावित सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया गया हर तरह से। उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ को जो भी प्रभावित है। रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत लगाने नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें, और अगर बेटा होता है तो 10000, अब बेटी होती है तो 15000। तो जानते हैं शुरू से लोग सहायता भी करते हैं, और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इलाके का तो आप जानते हैं, तो कई बार आगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था ऐसी स्थायी समाधान सर होगा बाहर से जो निश्चित रूप से करने का निश्चित रूप से। पकरा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री गोपालपुर के उच्च विद्यालय मकनपुर में चलाए जा रहे बाढ़ पीड़ित शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर के सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इससे पूर्व भागलपुर के नौगछिया के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने मुख्यमंत्री मंगलवार की दोपहर हेलीकॉप्टर से इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नौगछिया पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पकरा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के लिए बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना।
फोटो मार साइड 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 राजीव साइड 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 है ना साइड है ना आगे भाई जी वाला बढ़िया ठीक है पढ़ा रही है कविता पढ़ा रहा सर कविता पढ़ा रही है तो यही रहने वाली बच्ची अच्छा आंगनबाड़ी बढ़ते रहिए खिसते 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 बढ़िए कैमरा पर का मोबाइल अरे चलिए मोबाइल के है भैया बीच में के आदमी घर घुसा दिया है काफी पढ़ा रही है सब यही रहने वाली बच्ची अच्छा आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी का सेंटर है हाथ लाल सरकारी दे रहा है चार चार राउंड पाँच हजार आठ से करवा अरे चलिए बच्चा
विकास का प्रायोरिटी नहीं चिकना हम लोग देते पीछे दादी बताइए 8 बजे के बांध टूटलो छे खार कोई व्यवस्था नहीं चारों बगल पानी भे गए बाल बच्चा सब घरों में मचान गाड़ी गाड़ी पड़ल छे अभी पति हमरो यन रो एक बेटा पागल एक बेटा होशियार छे घरों में एक बेटी जमाए पानी से भांसी के 500-1900 से आबिक रहे छे यहाँ पर्वतों में एक 8 बजे फिर वहाँ से मैं यहाँ अलो छे खा पिए कोई व्यवस्था नहीं कोई पूछ पाछ नहीं इन्ने भगा मुख्यमंत्री जी बोला यही कहा कि सबको देंगे यहाँ पर का यहाँ पर लाएंगे टूटा फटा घर है उसमें रहेगा ना यहाँ पर काहे लाएंगे हम लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं हमारा घर चाहिए हमको खाने का कपड़ा व्यवस्था चाहिए और हम सरकार से क्या मांगेंगे सरकार बोलते हम सब व्यवस्था देते हैं क्या लगता है व्यवस्था मिल रहा है व्यवस्था कहाँ कुछ नहीं मिला है अभी मुख्यमंत्री जी क्या बोले कोई मंत्री कुछ नहीं दिया सब झूठ बोलता है मुखिया ये थे ना राज्य के मुखिया है कोई मुखिया सुखिया कुछ नहीं बोले सब झूठ बोलता है सब चलो अपने घरों पे कभी पानी चल घरों क्या क्या फसलों से घरों क्या क्या घरों बेटी छे जमा छे नाती छे लतनी छे मगपति छे काली स्थान के हिन्ने छे कार्तिक थान छे आई 8 बजे से खेला थे रात पानी गिर रहा घरों में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आज से नौगछिया पहुंचे, जहां तेतरी के पकरा और मकनपुर में राहत शिविर का जायजा लिया। साथ ही साथ जो कमियां दिखी उसको लेकर जिलाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गर्भवती महिला हैं उनके अगर बच्चे होते हैं अगर बेटियाँ होती है तो उन्हें 15,000 और बेटे होते हैं तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जो बाढ़ पीड़ित हैं उस परिवार को 6,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बड़ी बात कही है कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक बिहार के खजाने पर है। हालांकि नीतीश कुमार के जाने के बाद यहां के अधिकारी बाढ़ पीड़ितों का कितना ख्याल रखते हैं यह देखना लाजमी होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।